आपका पता हमारे घर में भूत है। सनाया सनाया, पहले डराया था ना, आज भी वैसे ही डराते हैं। वो तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था। सनाया तो डर की मारे बेहोश हो गई। शनाया बेटा, शनाया उठो। क्या हुआ, क्या हो गया? शनाया भूत था। भूत 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 कहाँ था बेटा? अभी वहाँ था, मैंने देखा था। बेटे यहाँ कोई भूत नहीं है। मम्मा भूत था, मैंने अभी देखा है, था भूत। शनाया अखी को, शनाया को डराने में बहुत मजा आया था ना? हाँ बहुत ज्यादा मजा आया। चल अब उसको वापस डराते हैं। पर डराए भी कैसे डराए? कुछ सोचते हैं। मैंने देखा था यहाँ पे भूत है, भूत होती है, हमारे घर में भूत है। मुझे पक्का पता है हमारे घर में भूत है। भूत आ गया, भूत आ गया। मैं अभी मम्मा को बुला दी और दिखा दी कि इस घर में भूत है। मम्मा देखो हमारे घर में भूत है। क्या हुआ शनाया? मामा आपको पता है, देखो लाइट फ्लिकर भी हो रही है और हमारे घर में भूत है। शनाया कहाँ फ्लिकर हो रही है बेटा लाइट? कोई भूत भूत नहीं है, आपके मन का वहम है। पर मम्मा मैंने देखा था कि अभी लाइट फ्लिकर हो रही थी और मैंने भूत भी देखा था। कुछ नहीं है शनाया, रिलैक्स। मैंने तो देखा था, मैं तो बहुत डर गई थी। मैंने तो देखकर ही डर गया था कि भूत है यहाँ पर। है ना, मैं तो पहले से कह रही थी कि हमारे घर में भूत है, लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। बहुत प्यास लग रही है, मम्मा पापा भी सोए हुए हैं, क्या करूं? मैं अकेली किचन में तो नहीं जाऊंगी, अगर पीछे से कोई भूत आ गया तो। चलो ऐसा करती हूँ, अभी सो ही जाती हूँ, सुबह पानी पी लूंगी। कौन है, कौन है, कौन है? सनाया सनाया। ये तो रही तुम्हारी चादर। सुनाया बेटा आपने कोई सपना देखा होगा। मुझे पानी चाहिए मम्मा। मैं लाती हूँ पानी। The next day. मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। सुनाया रोज रात को कोई डरावना सपना देखकर उठती है और इतना परेशान होती है। अरे तुम क्या बात कर रही हो, मेरे को तो धक्के खाकर मेरी कमर अकड़ गई है। रवनी का बिना ये क्या मतलब है? अरे मतलब क्या, रात को डर के हमारे बेड पे आ जाती है, फिर मुझे लाते मार मार के बेड से गिरा देती है। ये बातें सब एक तरफ है, पर हमें भूत को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ ये जल्दी से निपटाओ यार, ये भूत का जो भी मसला है। और मैंने कितनी बार शनाया को समझाने की कोशिश करी कि बेटा ये भूत भूत कुछ नहीं होते, पर उसने अपने मन में बात दिखाई नहीं है, कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये जो भूत का डर सिर्फ उसका डर नहीं है, कुछ और भी है जो उसको परेशान कर रहा है। हेलो सियान, जैसे हमने सुनार को पहले डराया था ना, आज भी वैसे ही डराते हैं। हाँ जी, और सुनार दीदी है कहाँ? रूम में। अच्छा ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। Ha ha ha!
भूत 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 ये भूत भूत तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये था क्या? देखना तो पड़ेगा। अरे इधर आ, तू कौन है? तू अनान्या? तुम अनान्या, बहुत गलत बात है। एक तो शनाया पहले से ही इतनी डरी हुई है, ऊपर से तुमने और सियान ने मिलकर उसको इतना डरा दिया, उसके डर का फायदा उठाया। पापा वो हमें मजा आ रहा था शनाया को डराने में, इसलिए हम डराते गए। अनान्या ये बहुत गलत बात है बेटा। सॉरी पापा। बेटे शनाया की हालत तो देखो, वो कितनी डरी हुई थी। सॉरी शनाया, माँ के चेहरे को नहीं डराएंगे। शनाया देखा, मैंने कहा था ना, ये भूत भूत कुछ नहीं होते। मामा भूत तो होते हैं। बेटा अभी तो अनान्या ने आपको बोला कि वही आपको डरा रही थी, भूत भूत नहीं होते हैं। पापा भूत तो होते ही होते हैं, अनान्या दीदी ने मुझे बताया था। क्या बताया था? उसने बताया था। अनान्या सच में बता, भूत होते हैं कि नहीं? हाँ शनाया भूत होते हैं। आपने कभी भूत देखे हैं? नहीं मैंने तो नहीं देखे, पर मेरी फ्रेंड ने जरूर देखे हैं। कहाँ पे? देखो पता है, कोई हॉलीडे पे गई थी, वहाँ पर उसने होटल लिया। उस होटल के रूम नंबर 501 में भूत था। सच में? हाँ, उस रूम में किसी को जाना अलाउड नहीं था, वहाँ पे कोई स्टे भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसमें भूत था। इसका मतलब सच्ची में भूत होते हैं? याद आया दीदी, वो तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था। अरे बाबा, वो 501 रूम नंबर बंद होने की कोई और वजह भी तो हो सकती है। ओहो, हो सकता है 501 रूम नंबर में कोई काम चल रहा हो, और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए ना लोग ऐसी कहानियाँ बना लेते हैं। अब वैसे भी अनान्या तुम्हारी फ्रेंड ने ये स्टोरी सुनाई है, वो देखा तो नहीं था ना वहाँ पर? पापा हॉरर मूवीज? बेटा हॉरर मूवीज ये सब जो बनती है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है। सब फिक्शनल होती है। सब फिक्शनल होती है, उसमें एक्टिंग करते हैं लोग, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती बेटा। तो पापा इसका मतलब कोई भूत भूत नहीं होते? तो गाइस इस स्टोरी से हमने सीखा कि भूत भूत कुछ नहीं होते, सिर्फ हमारे मन का वहम है। और ये जो हम भूतिया भूतिया पिक्चर देख लेते हैं या कभी कोई सीरियल वीरियल देख लेते हैं, उससे मन में वहम बैठ जाता है। तो कभी भी डरना नहीं है गाइस, भूत भूत कुछ नहीं होते, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। लास्ट डे ऑफ समर हॉलीडेज, स्कूल नहीं जाना, वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। गाइस स्टूडियो में बहुत मजा आया, वीडियो देखने के लिए क्लिक किया, क्लिक 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 क्लिक, बहुत अच्छी वीडियो है, क्लिक 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 क्लिक।